दोस्तों मोटरोला ने आज ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है मोटो G5 और G5 प्लस को। मैं आपसे अभी इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि फोन की स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, क्या हार्डवेयर है, क्या अच्छा है, क्या थोड़ा सी चीजें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। आने वाले दिनों में जब आप शायद परचेज करेंगे दोनों फोन को, तो वो आपको किस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरु जी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इन दोनों ही फोन्स के बारे में बहुत सारी लीक्स आ रही थी पिछले काफी टाइम से कि फोन का डिजाइन ऐसा होगा, फोन की स्पेक्स ऐसी होंगी। तो यहां पे हमारे पास में सारी डिटेल्स जो है वो ऑफिशियल होकर आ चुकी है मोटोरोला की तरफ से। सबसे पहले बात करते हैं मोटोरोला मोटो G5 के बारे में। दोस्तों यहां पे आपको जो फोन है इसमें मिलता है 5 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले। इसके ऊपर आपको मिलेगा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3। जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 430। 2 GB की रैम है। जो इंटरनल स्टोरेज है वो है या तो 16 GB की, या फिर आप चूज कर सकते हैं 32 GB के लिए। उसको आप ऑब्वियसली माइक्रोएसडी कार्ड लगा एक्सपेंड भी कर पाएंगे। यहां पर दोस्तों बैटरी है वो है 2800 mAh की, जो कि मोटोरोला का जो रैपिड चार्ज उसके साथ में आ जाती है। जो कैमरा है रियर वो है 13 MP का, f2 का एपर्चर है, PDAF आपको मिलता है ऑटो फोकस के रूप में। जो फ्रंट कैमरा है वो है 5 MP का f2.2 के एपर्चर के साथ में। दोस्तों आपको सामने डिस्प्ले के नीचे मिलता है एक फिंगरप्रिंट स्कैनर, और इस फोन की सबसे खास बात यह है कि आपको मिलता है मेटल डिजाइन, लेकिन फिर भी आप इसकी बैटरी को रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं अपने आप से अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो। बाकी टिपिकल जो आपको मिलते हैं बेसिक सेंसर्स वो यहां पे अवेलेबल हैं, और ये दोस्तों आता है एंड्रॉइड 7 नूगट के साथ में। आने वाले दिनों में आपको डेफिनेटली गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी इसमें मिल जाएगा। दोस्तों जहां तक मैं आपसे बात कर रहा हूं मोटोरोला मोटो G5 प्लस के बारे में, तो यहां पे जो हार्डवेयर यूज किया गया है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड है मोटो G5 से। आपको दोस्तों यहां पे मिलता है 5.2 इंचेस का एक फुल HD डिस्प्ले, सेम उसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 है। इसके अलावा दोस्तों यहां पे जो प्रोसेसर है वो है स्नैपड्रैगन का 625, जो कि 2 GHz पे काम करने वाले ऑक्टाकोर CPU है। आपको यहां पे मिलते हैं 2 अलग-अलग ऑप्शंस, या फिर तो आप चूज कर सकते हैं 32 GB स्टोरेज 2 GB रैम के साथ में, या फिर आप ले सकते हैं 64 GB स्टोरेज 4 GB रैम के साथ में। यहां पे भी आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। और इसके अलावा दोस्तों 3000 mAh की बैटरी है, सेम फास्ट चार्जिंग आपको उसके अंदर भी मिलती है, लेकिन यहां पे आप उसको निकाल नहीं सकते हैं। डिजाइन जो है वो दिखने में काफी सेम है दोनों का ही, लेकिन रिमूवेबल बैटरी का जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा सिर्फ मोटोरोला मोटो G5 में। दोस्तों यहां पे इस फोन की जो सबसे खास बात है, बाकी चीजें बिल्कुल सेम है, लेकिन जो सबसे खास बात है दोस्तों जो मोटो G5 से इस फोन को बहुत बेहतर बनाती है वो है इसका रियर कैमरा। दोस्तों यहां पे आपको मिलता है 12 MP का कैमरा, और सबसे खास बात जो है वो ये है कि इसका जो पिक्सल साइज है वहां पे 1.4 माइक्रोन का आपको एक पिक्सल देखने को मिलेगा, और इसके अलावा जो एपर्चर है वो है f1.7 का। मतलब मैं आपको बताऊं अगर रेफरेंस के लिए, तो सैमसंग गैलेक्सी S7 और S7 एज में जो एपर्चर था वो था f1.7 का। ये दोस्तों फ्लैगशिप ग्रेड फोन जो है, मतलब वो अगर लेंस लगा दें एक कम प्राइस के फोन में तो क्वालिटी इमेज की शायद बहुत ही अच्छी होने वाली है। मोटोरोला का जो मोटो G4 प्लस था उसकी भी इमेज क्वालिटी बहुत ही कमाल की थी, और यहां पे दोस्तों आपको इसके अंदर ड्यूअल ऑटोफोकस टेक्निक्स भी मिलती हैं। कुछ और ज्यादा पिक्सल्स को यहां पे काम में लिया गया है ड्यूअल फोकसिंग के लिए, और मतलब जो टेक्निक है वो काफी अच्छी है। बड़ा सेंसर, अच्छा एपर्चर, तो इसका मतलब शायद फोटोज आप और अच्छे से क्लिक कर पाएंगे, और साथ ही साथ आप यहां पे 4K वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर पाएंगे। दोस्तों बस यही चीजें थी मोटोरोला मोटो G5 और G5 प्लस के लिए। जो इंडियन प्राइसिंग है वो लगता है कहीं ना कहीं 10,000 से 15,000 के बीच में रहने वाली है। क्या पता शायद 12-13 हजार हो जाए G5 के लिए, और फिर 15,000 के आसपास रहेगी G5 प्लस के लिए। लेकिन देखते हैं कि इंडिया में कब लॉन्च होता है, और मोटोरोला क्या प्लान कर रहा है, कौन सा कॉन्फिगरेशन लॉन्च करता है, और किस तरीके से हमको देखने को मिलता है मोटोरोला G5 और G5 प्लस इंडिया में। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।